खाइएगा तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करके। फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल निशा कुकिंग मास्टर में स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं दिखाऊंगी टंगड़ा मछली। तो टंगड़ा मछली बनाने के लिए सबसे पहले इसको साफ करना पड़ेगा। तो इसको हम साफ कैसे करते हैं वो आप लोगों को दिखा देते हैं। इसको पहले हम ऐसे काट लेते हैं, इसका जो इस टाइप का है वो हम ऐसे काट लेते हैं, ऐसे करके। फिर इसका जो काटा रहता है वो काटा भी हम ऐसे काटेंगे, ऐसे। इसका तीन कट्टा होता है तो तीन कट्टे को हम ऐसे, इसका भी इधर वाला का भी काट लेते हैं और पीछे का हिस्सा भी हम काटेंगे। फिर इसका जो मुंह है वो हम ऐसे इस तरह से लेंगे और ऐसे पकड़ेंगे ताकि ये जो काटा है ना ये वाला बिल्कुल जो माछ है उसे अलग हो जाएगा, ऐसे पूरा ऐसे, और काटा बाहर आ जाएगा ऐसे। तो पूरा काटा बाहर आ गया है। फिर इसके ये हिस्सा हम काटेंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे, ऐसे पूरा निकाल लिया हमने और कुछ नहीं है, ये बिल्कुल साफ हो गया है। ये भी आप काट सकते हैं ऐसे करके, ऐसे 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 साफ होता है। इसे हम जब तक ये अच्छे से साफ नहीं हो जाएगा, नमक लगा के आप इस तरह से साफ कर लीजिएगा। और एक कर लेते हैं, मछलियों को अच्छी से साफ कर लिया है, मसाला रेडी कर लेते हैं। पेस्ट बनाना है तो इन सब चीज़ों का हम पेस्ट बना लेते हैं पहले। सबसे पहले कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच। ऐसे डालने के बाद पचफड़ूं डालेंगे इसमें, कड़ी पत्ता, जीरा। ये हल्की ब्राउन हो गई है तो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं। हल्की सी ब्राउन हो गई है, बहुत ही बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर देते हैं। प्याज को 2 मिनट ऐसे घुमा लेते हैं। मस्टर्ड और जो मैंने मस्टर्ड सीड ले लिया था, सरसों दाना और जीरा और काली मिर्ची ले लिया है, इन सब को थोड़ा पानी डाल के रेडी कर लेते हैं। ऐसे हल्की इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। ऐसे पानी डालने के बाद ऐसे 2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे इसमें, छोटी चम्मच से 2 चम्मच मिर्ची ऐड करेंगे इसमें और हल्दी 1 चम्मच और 1/2 चम्मच। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी से मिक्स कर लिया इन सबको। ये जो प्याज पक रही है उसमें हम एक टमाटर का पेस्ट बना के रखा है प्यूरी, वो हम डाल देते हैं। फिर इसे अच्छी से मिला लेते हैं। मसाला का जब तेल सूख जाएगा ऐसे तो तब हम इसका मसाला डालेंगे। इसे थोड़ा पकने देते हैं हम। 3 मिनट हो गया है, मसाला भून गया है हल्की सी, तो इसमें जो मैंने हल्दी, नमक और मिर्ची और जो पेस्ट था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे अच्छे से मिलाने के बाद ऐसे थोड़ा पानी भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं।
हल्की सी पानी ऐड कर देते हैं, जब तक इसका तेल पूरा छूट जाएगा तब हम इसका इसे मछली डालेंगे। तो इसको पहले रेडी होने देते हैं, मसाला को पकने देते हैं, इसको ढक के हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट। अब देख लेते हैं मसाला पक गया कि नहीं। मसाला में बहुत अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है ऐसे, तो हम इसका प्यूरी जो है बहुत अच्छी से ऐसे मिक्स कर लेते हैं। इसका ग्रेवी बनके रेडी हो गया है, तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आधा किलो मछली है इसलिए हम ज़्यादा पानी ऐड कर दिया इसमें। और थोड़ा नमक हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से बॉईल होने देते हैं। मछलियों को मैंने आधा घंटा नमक में भिगो के रखा था ताकि ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए, तो इसे मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। अब एक एक करके पानी उबल रहा है, तो एक एक करके इसके जो ग्रेवी है वो हो गया है। तो आप मछलियों को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे ताज़ा मछली है ऐसे डालने से बहुत टेस्टी लगता है, तो हम ऐसे डालेंगे सारे मछलियों को। मछली को हाई फ्लेम में डाल दिया है और इसे बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, इसे ढक के हम पकाएंगे 6 से 7 मिनट। हम इसे ढक के मीडियम फ्लेम में इसे 6 से 7 मिनट हम इसे पकाएंगे। मछलियों को देख लेते हैं कैसे बनाया कि नहीं। बहुत बढ़िया लग रहा है, इसका खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है ये रोटी के साथ, चावल के साथ, चपाती के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगा। चावल के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये आप देख ही रहे होंगे इसका ग्रेवी भी कितना अच्छा बना हुआ है। मैंने फ्राई करके जीरा का पेस्ट बनाया था, जीरा धनिया का पाउडर बना के रखा है और काली मिर्ची, तो हल्की सी गरम मसाला भी ऐड किया है, तो ऊपर ऐसे डाल देते हैं क्योंकि बहुत ही खुशबूदार मसाला है, तो इसमें डाल देते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। कटी हुई हरी धनिया पत्ता भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बस ये रेडी हो गया है खाने के लिए। मैं उठा के दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कितना बढ़िया मछली बना है, बन के रेडी हो गया है। देख लीजिए कितना टेस्टी है ना, देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा है। टंगरा मछली बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप घर में ज़रूर ऐसे बना के खाइएगा, तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।